नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिजानुर और आप देख रहे हैं इंस्टेंट फार्मा। दोस्तों, डायबिटीज़ के बारे में हमने बहुत सुना है और ये भी सुना है कि डायबिटीज़ एक बार हो गए तो दोबारा ठीक नहीं होते, पूरा ज़िंदगी भर झेलना पड़ते हैं। इसलिए हमारा बॉडी में कभी कभी डायबिटीज़ का कोई भी सिम्टम्स दिखाई दिया तो हम चिंतित हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ ऐसा सिम्टम्स के बारे में जो हमारा बॉडी में दिखाई दिया तो डायबिटीज़ होने का चांसेस है। हमको ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करना ज़रूरी है। दोस्तों, खाना डाइजेस्ट होने के बाद शुगर मोलिकोल प्रोटीन और फैट मोलिकोल में कन्वर्ट होते हैं और इसके बाद ये शुगर मोलिकोल जाके ब्लड में पहुंचते हैं। ब्लड में जाने के बाद पूरा बॉडी सेल ब्लड से जो शुगर मोलिकोल है वो एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं और यही काम इंसुलिन नाम के एक लिक्विड ने करते हैं। अगर हमारा बॉडी में ये इंसुलिन का कमी हो जाएंगे या तो ये इंसुलिन काम नहीं करेंगे तो ये शुगर मोलिकोल ब्लड में रह जाएंगे, बॉडी सेल को नहीं मिलेंगे। अगर ये ब्लड में शुगर मोलिकुल रह जाएंगे और इसका क्वांटिटी ज़्यादा होते जाएंगे तो हम इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। यही डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा, लेकिन अब ये बताऊँगा कि डायबिटीज़ होने के बाद हमारा क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नंबर 1 पे आते हैं एक्सेसिव हंगर। इसका मतलब हमको खाने के लिए बहुत मन करेंगे, ज़्यादा भूख लगेंगे, सुबह सुबह ज़्यादा भूख लगते हैं, थोड़ा लेट हो गया तो हमको गुस्सा आते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ के टाइम पे बहुत पानी पीने को मन करते हैं, बार बार प्यास लगते हैं। एक बार पानी पिया तो एक दो घंटा या तीन घंटा के बाद फिर से पानी पीने को मन करते हैं। डायबिटीज़ बीमार होने के बाद हमारा बॉडी में एनर्जी नहीं होते हैं, वीकनेस फील होते हैं। हमको कोई भी काम किया तो इमिडिएटली हमको थकान महसूस होते हैं, फैटिग हो जाते हैं हम। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन डायबिटिक पेशेंट का एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। अगर आपको रात में 3-4 बार या तो 5 बार पेशाब लगते हैं, बार बार पेशाब करने को जाना पड़ता है, तो आपको ब्लड शुगर टेस्टिंग का ज़रूरत है, आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस है। उसके बाद आते हैं पूर ओंड हीलिंग। इसका मतलब अगर आपको कहीं भी स्किन पे ओंड हुआ है और ये मेडिसिन लेने के बावजूद भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे और लेट हील हो रहे, इसका मतलब बहुत दिन के बाद ठीक हो रहे हैं या तो स्लोली ठीक हो रहे हैं, तो आपको ब्लड शुगर टेस्टिंग का ज़रूरत है, आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस है। कभी कभी ब्लड शुगर लेवल बिना सिम्टम्स के भी ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप कभी भी मेडिकल में विजिट कर रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाइए, बिना सिम्टम्स के भी डायबिटीज़ हो सकते हैं। तो ये था कुछ कॉमन सिम्टम्स जो आपके बॉडी में अगर दिखाई दिया तो आपका ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करने का ज़रूरत है, आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस हैं। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल इंस्टेंट फार्मा सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।